नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 10 मार्च इस समय की आपको बड़ी खबरें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सारी शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड से संबंधित है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें, और हर प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक कार्यालय आदेश जारी हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक यहाँ दिए हुए हैं। प्राध्यापक स्कूली शिक्षा शारीरिक शिक्षा आरपीएससी 22-23 प्राध्यापक स्कूली शिक्षा शारीरिक शिक्षा के पद पर पैमेट्रिक्स लेवल L12 पर चयन उपरांत जो संलग्न लिस्ट है उसकी भी अपडेट आपको दी जाएगी। इसमें प्राध्यापक स्कूली शिक्षा शारीरिक शिक्षा के पद पर 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यानी प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा शारीरिक शिक्षा रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती 2022 फर्स्ट ग्रेड भर्ती शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, उनके यहाँ पर पदस्थापना आदेश जारी हो चुके हैं। तो उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी, कितने अभ्यर्थियों किए हुए हैं और कार्यक्रम कब तक करना है, कार्यक्रम से पहले आवश्यक निर्देश, और इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, इनको ओपीएस से संबंधित और संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यक्रम करवाने से पहले आवश्यक जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया होना वांछित है। इसके अलावा संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रशैक्षिक अंक तालिकाएँ प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें, और संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा अथवा विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र और अन्य नाम उपनाम संबंधी इनकी जांच करेंगे। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र 4 नंबर के पॉइंट में, और यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर के पॉइंट में यहाँ पर CMHO मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संबंधित यहाँ पर अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 9 नवंबर के यहाँ पर पॉइंट में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है। 10वें नंबर के में दहेज और धूम्रपान संबंधी तो ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आपको ले चलते हैं कब तक कार्यक्रम करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 62 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है, इसमें इनको 28 मार्च 2024 तक इनको कार्यग्रहण करना होगा। आप देख सकते हैं, अब आपको ले चलते हैं पूरी लिस्ट की जानकारी के साथ। ये आप देख सकते हैं, नियुक्ति आरपीएससी 2022 प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, ये इनकी लिस्ट दी हुई है, और सेलेक्टेड पोस्टिंग प्लेस यहाँ पर 11 नंबर के कॉलम में, और लास्ट कैंडिडेट की फ़ोटो दी हुई है। आप देख सकते हैं टोटल 62 अभ्यर्थियों की लिस्ट आपको वीडियो के स्क्रीन में यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा इन सभी आदेशों की PDF और सूचनाएं टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको अगली और अपडेट बताएंगे इसी में, 62 अभ्यर्थियों के पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं उससे संबंधित अपडेट, और इसके बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड वेतन व्यवस्था से संबंधित जुड़ी अपडेट आपको बताने वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक यहाँ पर दिए हुए हैं। 13-10-2023 के द्वारा प्रदत्त निर्देश अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था मॉड्यूल में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वरिष्ठ अध्यापकों का वेतन व्यवस्था के आदेश में अंकित मासिक उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 9 में आर्थ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कितने कार्मिकों की है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको बताई जा रही है। इसमें ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर टोटल 55 देख सकते हैं आप। तो साथियों, ये थी इस समय की शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।